से फर्स्ट गणपति है हिंदुस्तान से सबसे पहला सार्वजनिक गणपति श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति ट्रस्ट। ये देखो ये है वो गणपति। श्री कस्बा पेठ गणपति। तो इसका मेन एंट्रेंस है ये देखो। मेन मंदिर में फोटोशूट वीडियो शूट अलाउड नहीं है। सुपर ही पे बने हुए गणपति है ये देखो, काफी बढ़िया है। देखिए यहाँ पे राम मंदिर का डेकोरेशन किया हुआ है ये देखो भाई। सार्वजनिक गणपति फ्रेंड्स। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल पढ़ के आपको पता ही चला होगा आज की जो ये वीडियो है ये किस टॉपिक के ऊपर है। तो ये देखो फ्रेंड्स, पीछे का बैकग्राउंड देख के आपको पता चला होगा कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं एक होटल में स्टे कर रहा हूँ और वो होटल है पुणे में JW मैरिट, और मैं यहाँ आया हूँ गणपति दर्शन के लिए। तो फ्रेंड्स अभी गणपति का फेस्टिवल चालू है तो इसलिए मैं आया हूँ पुणे में। तो पुणे में जो दो फेमस गणपति है उनका मैं आज दर्शन करने वाला हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ कस्बा गणपति। तो कस्बा गणपति का एक है मेन गणपति जो उनका मेन मंदिर है, और दूसरा है सार्वजनिक गणपति जो 11 दिन का होता है, उसका मैं दर्शन लेने वाला हूँ। और सेकंड श्रीमंत दगुड़ीशेठ हलवाई का जो गणपति है उनका दर्शन लेने वाला हूँ। तो उनका भी एक मेन गणपति है और दूसरा उनका एक सार्वजनिक गणपति है, वो भी 11 दिन का होता है। वैसे अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको ये लोकेशंस पता होंगे, लेकिन आप आउट ऑफ महाराष्ट्र से हो तो आप ये मैप में डाल के भी लोकेशन में आ सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो जो है एंड तक जरूर देखना। तो चले फिर सीधा चलते हैं गणपति दर्शन के लिए। तो ये देखो फ्रेंड्स, अभी हम होटल से निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी होटल से हमने लिया ऑटो, क्योंकि गणपति फेस्टिवल के टाइम वो दोनों जगह के आजू बाजू में पार्किंग का स्पेस नहीं होता, और जो मैं होटल में स्टे कर रहा हूँ वो होटल से ये दोनों लोकेशन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में बैकग्राउंड वॉइस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी ये वीडियो कैच किए वो सभी वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं कस्बा गणपति जो सार्वजनिक गणपति है। तो फ्रेंड्स ये देखो हम लोग अभी आ चुके हैं श्री कस्बा गणपति के यहाँ पे। ये गणपति है सार्वजनिक गणपति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मोबाइल अलाउड किया तो मैं वीडियो शूट करूँगा। तो ये देखो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी लाइन है और फोन तो हर एक के हाथ में है, हर कोई शूटिंग कर रहा है, हर कोई फोटो शूट कर रहा है। ये देखो ये है गणपति बाप्पा। तो फ्रेंड्स अभी मेरा दर्शन लेके हो चुका है। ये देखो ये है छोटी मूर्ति और ये है बड़ी मूर्ति। तो फ्रेंड्स अभी हमारा सार्वजनिक गणपति का दर्शन लेके हो चुका है। अभी ये देखो जहाँ पे सार्वजनिक गणपति है उसी के सामने श्री कस्बा गणपति का मेन मंदिर है। ये देखो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे दर्शन के लिए, ये मेन एंट्रेंस है। तो फ्रेंड्स ये जो कस्बा गणपति का जो मेन मंदिर है यहाँ पे भी इतना ज़्यादा लाइन नहीं है। जहाँ पे गणपति बप्पा बैठे रहते वहाँ पे भी हमारा 5 से 10 मिनट में दर्शन हो गया, और अभी हम आए मेन मंदिर में तो यहाँ पे भी कुछ 5 से 10 मिनट में दर्शन जो है हो जाएगा। और ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टाइम है वो है दोपहर के 12 से लेकर 4 बजे तक, दरवाज़ा इसका बंद होता है। तो अभी हम आए देखो अभी 11:30 बज चुके हैं, 20 मिनट में दरवाजा बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमारा दर्शन लेके हो चुका है, और ये देखो ये कुछ मंदिर के साइड का एरिया है। ये देखो यहाँ पे अच्छा सा रंगोली सजाया है, गणपति बप्पा मोरिया श्री कस्बा गणपति मंदिर।
ये जिन्होंने रंगोली निकाला है उनका कॉन्टैक्ट नंबर है रंगोली आर्ट्स पुणे। तो फ्रेंड्स हमारा दोनों जगह का दर्शन लेके भी हो चुका है, तो ये आमने सामने ही है, आप मैप में भी डाल सकते हो, तो मैप में ये कस्बा गणपति लोकेशन इजीली आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमारा श्री कस्बा गणपति दर्शन लेके हो चुका है, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर के यहाँ पे, वो यहाँ से 10 to 15 मिनट वॉकेबल ही है। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये सबसे फर्स्ट गणपति है जो यहाँ पे लिखा है हिंदुस्तान से सबसे पहला सार्वजनिक गणपति श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति ट्रस्ट। ये देखो ये है वो गणपति। तो ये देखो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति मंदिर के यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये उसका मेन एंट्रेंस है, ये देखो। तो ये देखो फ्रेंड्स ये है मेन मंदिर श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई का, और यहाँ आगे जाओगे तो वहाँ पे है सार्वजनिक गणपति जो 11 दिन का होता है। तो फ्रेंड्स हमारा मेन मंदिर में दर्शन करके हो चुका है, मेन मंदिर में फोटोशूट वीडियो शूट अलाउड नहीं है। अभी ये देखो हम आए यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे कुछ गणपति है, तो ये फ्रेंड्स है सुपारी पे बने हुए गणपति है, ये देखो काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स ये तीनों में से मैंने एक एक ले लिया है, ये देखो इसमें से सबसे बढ़िया मुझे लगा ये वाला गणपति। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं सार्वजनिक गणपति के यहाँ पे, जहाँ पे 11 दिन का गणपति होता है, तो वो जो है ये मेन मंदिर से थोड़ा आगे ही है, मेन मंदिर ये साइड में है और सार्वजनिक गणपति जो है ये साइड में है। ये देखो यहाँ पर थोड़ा लाइन ज़्यादा होगा। तो ये देखो फ्रेंड्स सार्वजनिक गणपति यहाँ पे कुछ इतना लाइन है, और जो गणपति बापा है वो ये मंदिर के यहाँ पे देखो। और फ्रेंड्स इस साल ये सार्वजनिक गणपति के यहाँ पे राम मंदिर का डेकोरेशन किया हुआ है, ये देखो राम मंदिर अयोध्या इसका डेकोरेशन किया हुआ है। तो ये देखो फ्रेंड्स ये है गणपति की मूर्ति, ये देखो श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति। मेरा चारों जगह का गणपति दर्शन हो चुका है, कस्बा पेट मेन गणपति, उसके बाद कस्बा पेट का सार्वजनिक गणपति जो 11 दिन का होता है, उसके बाद श्रीमंत दगड़ूशेठ के यहाँ का मेन मंदिर का भी गणपति का दर्शन हो चुका है, उसके बाद श्रीमंत दगड़ूशेठ सार्वजनिक गणपति 11 दिन का होता है वहाँ का भी दर्शन एक हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ।